कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज रामनिवास उर्मलिया ने शीर्ष नेतृत्व पर विंध्य में कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विंध्य के दो मजबूत राजनीतिक घरानों को कमजोर करने का षड्यंत्र कांग्रेस में किया जा रहा है। वहीं ऐसे कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मेश घई के टिकट के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी के ही नेता रामनिवास उर्मलिया ने अपनी ही पार्टी पर अपेक्षा का आरोप लगाया है। रामनिवास ने कहा कि पूरे विंध्य में विरोध की लहर है, प्रत्याशियों की लिस्ट में मेरा नाम शामिल होने के बाद भी मुझे टिकट नहीं दिया गया। रामनिवास ने विंध्य के दो बड़े राजनीतिक घराना अजय सिंह राहुल व श्रीनिवास तिवारी के परिवार की राजनीति को खत्म करने का आरोप भी कपगरेस पर लगाया है। उन्होंने कहा अजय सिंह राहुल के किसी भी समर्थन को टिकट नहीं दिया गया, वहीं श्रीनिवास तिवारी के परिवार से किसी सदस्य को टिकट दिया गया। यह निश्चित तौर पर इन घरानों की राजनीति खत्म करने का प्रयास है। टिकट बंटवारे में जिस तरह से लापरवाही की गई है उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। रामनिवास ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। हमारे नेता है अजय सिंह राहुल भैया, उनका जैसा निर्देश होगा वैसा आगे हम करेंगे और हमारी तो इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी ही मैहर से चुनाव जीते और नारायण त्रिपाठी को हराना चाहिए, जो उसका मकसद है। ये तो शीर्ष नेतृत्व ही जाने क्यों ऐसा खेल हुआ। पूरे प्रदेश में असंतोष की लहर है कि उनको कमजोर, दो घरानाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही। विंध्य में जो मजबूत घराने थे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी, स्वर्गीय श्री कुंवर साहब, इन दोनों घरानों को टिकट और उनके सपोर्टरों को टिकट न देना, इसका सीधा सीधा है कि ये बहुत बड़े षड्यंत्र की साजिश की बू आ रही है इसमें से। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।